हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है ना? चलो, तो सेशन तुमने देख ही लिया है ना, सेशन तुमने देख ही लिया कि आज चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, 50 अच्छे क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है? और तुम्हें देखना है कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो। मॉर्फोलॉजी एक वेटेज वाला चैप्टर है, जानते हो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से। कभी कभी ऐसा भी हुआ है 2016-15 में अगर चले हम, तो 5 क्वेश्चन भी आए हैं इस चैप्टर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन, तुम्हारे स्क्रीन के सामने ये रहा। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट प्राइमरी रूट अराइजेस फ्रॉम, जो भी डाइकॉट प्लांट हैं, डाइकॉट प्लांट में कहां से आती है चीजें? रेडिकल से ऑरिजिन होती हैं, लेकिन अगर बात पूछी जाती है एडवेंटिशियस रूट के बारे में, तो पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल हो जाता, अदर देन द रेडिकल बोलते हैं उसे। हर एक क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड देखते चलेंगे। लीडर बोर्ड हमारे सामने है और यहां पे हमारे सामने सबसे रफ्तार में आंसर किया है सैयद अली अब्बास ने, फिर है सुष्मिता, फिर हम देव कुमार दीवानगन, राकेश, शालू, इंडिया, श्रुति, हाफिजा, सरकार, पूनम नेमा, प्रभुदत्ता पांडा। ये था पहला लीडर बोर्ड हमारा आज का। हर एक क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड, तो तुम्हें मोटिवेशन में मिलता रहेगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका है। काफी बच्चे पूछ रहे हैं ज्वाइन कैसे करना है। गूगल पे सर्च करनी है menti.com, उसके बाद आएगा ज्वाइन प्रेजेंटेशन, ज्वाइन कर लेना। वहां पे कोड पूछी जाएगी, तो 6967-0429 ये कोड यूज कर लेना, बस हो जाएगी आराम से। ये अंदर में, और तुम अंदर में क्वेश्चंस आएंगे, पोल करना, तो पता चलेगा तुम्हारी कि कितने में कहां स्टैंड कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इन मस्टर्ड प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है। इन मस्टर्ड प्लांट टैप रूट है, एडवेंटिशियस है, फाइबरस है, या सारे रूट प्रेजेंट है? मस्टर्ड प्लांट के केस में, क्योंकि मस्टर्ड एक डाइकॉट प्लांट होता है, ब्रैसिकेसी का मेंबर है, और इसमें टैप रूट सिस्टम हमें को देखने को मिलेगा। मस्टर्ड प्लांट में टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है ना? तो ये बात रही मस्टर्ड प्लांट की। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है, सबसे रफ्तार में आंसर किया है देव ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, कैरट और टर्निप जो होता है, ये कौन से रूट्स के मॉडिफिकेशन है? कैरट और टर्निप कौन से रूट्स के मॉडिफिकेशन है? टैप, एडवेंटिशियस, या स्टेम, या बड? तो बात सिंपल है, ये कौन से रूट के मॉडिफिकेशन है? टैप रूट के मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल। लेकिन अगर पूछी जाती कि स्वीट पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन है, तो बोलते एडवेंटिशियस रूट की, क्योंकि वहां पर ट्यूबरस रूट मिलता है, ठीक है? तो कैरेट और टर्निप ने अपना खाना स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, और टैप रूट को उन्होंने मॉडिफाई कर लिया, मतलब वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के अलावा भी कुछ काम उन्होंने किए हैं। तो इस बार सबसे रफ्तार में आंसर आया है सैयद अली अब्बास का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा तुम्हारे सामने, स्वीट पोटैटो स्टोर्ड फूड इन, स्वीट पोटैटो का जो खाना होता है वो कौन से रूट्स में स्टोर्ड होता है, या स्टेम में या बड में? टैप रूट, स्टेम, एडवेंटिशियस रूट, और बड? तो स्वीट पोटैटो अपने खाने को स्टोर करता है एडवेंटिशियस रूट में, उसका जो मॉडिफिकेशन है वो तो ट्यूबरस वाला मॉडिफिकेशन। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है, शालू का जवाब सबसे रफ्तार में आया है, फिर मीशा है,
फिर सैयद अली, देव, सोनिस, एडी, टॉम, इंडिया, साइंस और श्रुति। चलो हम लोग आ चुके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। अ स्टिल ट्रूथ इज फाउंड इन, अ स्टिल ट्रूथ इज फाउंड इन बनियान में, मेज में, सुगर केन में या मोर देन वन इज करेक्ट। अ स्टिल ट्रूथ इज फाउंड इन, तो स्टिल ट्रूथ किस में देखने को मिलता है? तो स्टिल ट्रूथ हमें मेज में भी मिलता है, सुगर केन में भी मिलता है। और जानते हो ना, स्टिल रूट जो होता है ये सपोर्टिंग रूट होता है, जो स्टेम के लोअर बेस से ये निकला होता है और कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का काम कर रहा होता है मेज और सुगर केन को। दोनों डाइकोट प्लांट है, सॉरी मोनोकॉट प्लांट है। और अगर पूछी जाती बनियान में कौन सा रूट होता है, तो बनियान में तो लगाते हैं प्रॉप रूट, जिसे बोलते हैं सपोर्टिंग रूट, पिलर रूट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें सबसे रफ्तार में आंसर आया है, किसका है भाई रफ्तार में आंसर? रफ्तार में आंसर है दर्पण का, है ना, दर्पण जेनेटिक्स का रफ्तार में आंसर आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन ये रहा। क्लाइंबिंग रूट इज फाउंड इन, किसमें मिलता है क्लाइंबिंग रूट? थोड़ा अलग है, एलिमिनेट कर कर लगाएंगे। क्लाइंबिंग रूट किसमें मिलता है? एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, लग जाएगा। बीटल में, सिल्क कॉटन में, टर्निप में या कैट कॉटन में, कैरेट में? एलिमिनेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, आंसर बिल्कुल सही है, बीटल में। क्योंकि कैरेट टर्निप तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहां पे रूट्स अलग हैं, सिल्क कॉटन केसी अलग है, ये बेटल की बात करेंगे यहां पे, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है। सालू का जवाब सबसे रफ्तार में आया है, बहुत अच्छा, फास्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ एसिमिलेटरी रूट इज फाउंड इन, थोड़ा अलग है लेकिन याद रख लेना, बस ऐसे ही है। एसिमिलेटरी रूट इज फाउंड इन, एसिमिलेटरी रूट्स इज फाउंड इन, कहां मिलती है एसिमिलेटरी रूट? मैंग्रोव में, टीनोस्पोरा में, कस्कटा में या और ऑर्किड में? बिल्कुल सही, एसिमिलेटरी रूट हमें टीनोस्पोरा में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन ऐसे ही था, है ना, काम का नहीं था, तुम इसे बोनस मान लेना। तो सबसे रफ्तार में आंसर आया है इस बार मीशा का। क्वेश्चन नंबर 8, फाइबरस रूट इज फाउंड इन, फाइबरस रूट किन में मिलेगा? ग्रास में, मॉन्स्टेरा में, बनियान में या पैडी में? तो बात सिंपल है, फाइबरस रूट मोनोकॉट में देखे जाते हैं और मोनोकॉट का एग्जाम्पल यहां पे तुम्हें सिंपल सा पैडी मिल रहा है, पैडी में ही देखने को मिलता है। ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान में तो एडवेंटिशियस रूट मिलती है देखने को। नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अनीशा का रफ्तार में आंसर आया है इस बार, और अगले क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन मिंट प्लांट सब एरियल स्टेम इज नोन एज, मिंट प्लांट में क्या देखने को मिलेगा? सकर, स्टोलॉन और ऑफसेट? सकर, स्टोलॉन या ऑफसेट, या सारे इनकरेक्ट हैं। बात सिंपल है, आंसर जाएगा हमारा सकर। सकर का एग्जाम्पल याद है ना, पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम, मिंट और बनाना, ये चार एग्जाम्पल है। तो मिंट किस में आ जाएगा तुम्हारा? सकर में आएगा। लीडर बोर्ड देखते हैं, और इस बार रफ्तार में आंसर आया है
रफ्तार में आंसर किसका आया है भाई? निर्भिकर का आया है सबसे रफ्तार में आंसर। चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा तुम्हारे सामने। मॉडिफाइड स्टेम जो एस्पैरागस का होता है हम इसे क्या कहते हैं? मॉडिफाइड स्टेम ऑफ एस्पैरागस इज कॉल्ड एज। एस्पैरागस का मॉडिफाइड स्टेम क्या कहलाता है? बिल्कुल, तो एस्पैरागस में किस चीज की बात याद रखेंगे? क्लैडोड। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लैडोड में दो एग्जांपल आते हैं, रस्कस और एस्पैरागस। फिलोक्लेड में एग्जांपल्स कम से कम तो दो याद रखेंगे, यूफोर्बिया और अपुंशिया, और बल्बिल में तो अगेव होता है, और एक होता है फिलोड, वो होता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, है ना, वो अलग एग्जांपल है जहां पे लीफ के मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे हो चुके हैं, मतलब पेटियोल ही मॉडिफाई कर चुका है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस वो कर पाए, वो फिलोड है। और ये तो केस अलग है क्लैडोड का। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है तो रफ्तार में आंसर आया है यहां पे आज देव कुमार देवांगन का। सबसे फर्स्ट पे है वोट गोट, शालू, मोहम्मद अब्दुल्ला, टॉम साइंस, अनीशा, मीशा, मिलोन, सूची और देव कुमार देवांगन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे सामने ये रहा। रफ्तार में आंसर करोगे तो पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। अगला क्वेश्चन लो आ ही गया, फिलोक्लेड इज फाउंड इन। फिलोक्लेड कहां मिल रहा है? हाइड्रोफाइट्स में, हैलोफाइट्स में, शियोफाइट्स में या जेरोफाइट्स में? एनसीईआरटी लिखती है फिलोक्लेड एरिड रीजन पे मिलते हैं। एरिड रीजन का मतलब जो जगह बहुत ही सूखा है। तो कहने का मतलब क्या हम इन्हें बुला सकते हैं? जेरोफाइट्स, फिलोक्लेड हाइड्रोफाइट्स में नहीं मिलता, जेरोफाइट्स में मिलता है। जेरिक रीजन में मिलता है, जो ड्राई रीजन है वहां मिलता है। सियोफाइट्स तो वो हैं जिनको लाइट बहुत कम मिल पा रही। हैलोफाइट तो वो हैं जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं जहां सॉल्ट का कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है। हाइड्रोफाइट्स तो वो हैं जहां पे पानी ही पानी है। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है और सबसे रफ्तार में जो आंसर आया है वो आंसर है मोहम्मद अब्दुल्ला का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे सामने है, पोटैटो का जो स्टोर्ड फूड है वो कहां स्टोर होता है? पोटैटो स्टोर्ड फूड इन, पोटैटो टैप रूट में करेगा, स्टेम में करेगा, एडवेंटिशियस में करेगा या बड में करेगा? पोटैटो का स्टोर्ड फूड जो होता है वो स्टेम में होता है। पोटैटो स्टोर्ड फूड इन स्टेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसमें देखते हैं लीडर बोर्ड क्या आया है। सबसे फास्टेस्ट आंसर आया है इस बार दर्पण जेनेटिक्स का, और यहां पर लीडर बोर्ड में टॉप 10 बच्चों के नाम दे रखे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा तुम्हारे सामने। थॉर्न इज अ स्टेम स्ट्रक्चर बिकॉज इट, थॉर्न इज अ स्टेम स्ट्रक्चर बिकॉज इट। थॉर्न कहां से डेवलप हो रहा है? स्टिपल से क्या? नहीं, डेवलप फ्रॉम एक्जिलरी बर्ड से वो डेवलप हो रहा है। कहां से डेवलप होगा? एक्जिलरी बर्ड से वो डेवलप होगा। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, एक्जिलरी बर्ड से वो डेवलप होता है। तो थॉर्न इज अ स्टेम स्ट्रक्चर बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम एक्जिलरी बर्ड। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले लीडर बोर्ड देख लो। लीडर बोर्ड में सबसे फास्टेस्ट आंसर है शालू का। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले। पूछा गया लीफ टेंड्रिल इज फाउंड इन, लीफ टेंड्रिल कहां देखने को मिलता है?
लीफ टेंड्रिल क्या बोगेनविलिया में है, राइस में है, कैक्टस में है या ऑल आर इनकरेक्ट? तो लीफ टेंड्रिल की बात कहां है? ग्रेपवाइंस में है, गाउट्स में है, क्यूकम्बर में है, पंपकिन में है, वाटरमेलन में है, तो सारे गलत है यहां पे, क्योंकि लीफ टेंड्रिल्स बोगेनविलिया में तो मिलती है, थॉर्न्स मिलती है, कांटा मिलता है वहां पे बोगेनविलिया और सिट्रस में। तो सबसे रफ्तार में इस बार जो आंसर आ रहा है वो आंसर है इस बार सबसे रफ्तार में मेलॉन का। क्वेश्चन नंबर 15 में चलें। क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारे सामने ये रहा। पल्विनस लीफ बेस इज फाउंड इन, लीफ बेस जानते हो बड़ी स्वेलन हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो ऐसा किस में देखने को मिलता है? पल्विनस लीफ बेस इज फाउंड इन, ऐसा मैंगो में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहां पे एनसीईआरटी के रेफरेंस में एग्जांपल्स हैं। एनसीईआरटी कहती है कि जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है वहां पे पल्विनस मिलेगा देखने को। तो ग्राम एक टाइप का लेग्यूमिनस होता है, दलहन वाले होते हैं, ठीक है। तो इस बार सबसे रफ्तार में आंसर आ रहा है शालू का। 10,000 पॉइंट स्कोर करने वाला पहला बच्चा बना वोट गोट। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारे सामने है ये रहा। इन हाइपोगाइनस फ्लावर ओवरी इज, हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर है या सारे है? हाइपोगाइनस फ्लावर मस्टर्ड चैनल रोज ब्रिंजल, हमारे एनसीईआरटी की सारी फैमिलीज हाइपोगाइनस हैं, तो आंसर क्या जाएगा? ओवरी सुपीरियर होता है, बाकी सारे पार्ट्स इंफीरियर होते हैं, तभी तो रिप्रेजेंटेशन साइन लगाते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर के लिए, जी और उसके नीचे डंडी लगाते हैं। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है, रफ्तार में आंसर इस बार आया है, आंसर आया सबसे फास्टेस्ट दर्पण जेनेटिक्स का आंसर आया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा तुम्हारे सामने। पेरिगाइनस कंडीशन इज फाउंड इन, पेरिगाइनस कंडीशन कहां पे देखने को मिलता है? पेरिगाइनस के तीन एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पेरिगाइनस के एग्जांपल हमें क्या क्या याद होने चाहिए? एक तो याद होना चाहिए कि वो होता है प्लम, और एक होता है रोज, और एक होता है पीच, तो यहां पर कौन सा है? यहां पर रोज है, ठीक है। मस्टर्ड चैनल रोज ब्रिंजल, उसमें तो मिलेगी हाइपोगाइनस मिलेगी, ठीक है। चलो अगले एग्जांपल्स में चलें, लीडर बोर्ड में चलें पहले। तो सबसे रफ्तार में आंसर आया है शालू का। क्वेश्चन नंबर 18 इन कैना फ्लावर विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। कैना सबने सुना होगा, टोटल तीन टाइप की सिमेट्री होती है, तो कैना में कौन से सिमेट्री मिलेगी? एक्टिनो, जाइगो, एसिमेट्रिकल या नन ऑफ दीज। इन कैना फ्लावर विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, तो कैना की बात करें तो कैना में एसिमेट्री देखने को मिलती है। लीडर बोर्ड में सबसे रफ्तार में आंसर इस बार साइंस का आ रहा है, और 10,000 स्कोर करने वाले 9 बच्चे बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हारे सामने ये रहा। जब स्टेमन पेटल्स अटैच्ड होते हैं तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये बताना है तुम्हें। जब कभी पेरियंथ भी स्टेमन से अटैच होता है उस कंडीशन को हम जब एपिफाइलस कहते हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? तो इस कंडीशन को हम एपिपेटालस बोला करते हैं। ऐसा केस हमें ब्रिंजल में देखने को मिलता है, और पूरी फैमिली का है तो सोलेनेसी में देखने को मिलता है। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है, सबसे रफ्तार में आंसर आया है शालू का।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। एपिफाइलस कंडीशन इज फाउंड इन, एपिफाइलस कंडीशन इज फाउंड इन, तो एपिफाइलस कंडीशन किस में देखने को मिलेगा? लिली है, ब्रिंजल है, रोज है और सिट्रस है। लिली है, ब्रिंजल है, रोज है और सिट्रस है, तो बताना है एपिफाइलस कंडीशन कहां मिलता है। बिल्कुल सही हो तुम, एपिफाइलस कंडीशन लिली में देखने को मिलता है, जहां पे पेरियंथ का अटैचमेंट होता है स्टेमेन के साथ। ये वही लिली है जहां पे 3+3 का केस देखा जाता है और आपस में अटैचमेंट होती है, लेकिन जितने भी स्टेमेंस हैं वो 3+3 में आपस में अटैचमेंट नहीं होता है। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है। वोट गोट, शालू, मिलोन, साइंस, मिशा, एडी, मोहम्मद अब्दुल्ला, दर्पण जेनेटिक्स, एफएमसी पुणे और इंडिया। 20 क्वेश्चन हमने 50 में कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। पूछा है एक्साइल प्लेसेंटेशन किन में देखने को मिलेगा? एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। प्लेसेंटेशन टोटल 5 तरह के हैं हमारे सिलेबस में, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन के 3 एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में हैं और तीनों एग्जांपल यहां पे दे रखे हैं, तो टोटल आ जाएगा चैनरोज, टोमेटो, लेमन। तो ऑल आर करेक्ट, सारे करेक्ट है यहां पे तुम्हारे, एक्साइल प्लेसेंटेशन सब में है। सबसे रफ्तार में आंसर आया है इस बार ईशा का। जो बच्चे मेंटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा सजेशन, कैसे ज्वाइन करना है, गूगल पे जाकर सर्च करना है menti.com। menti.com के बाद पहला जो आएगा तुम्हारा ज्वाइन प्रेजेंटेशन, ज्वाइन प्रेजेंटेशन में जाकर वहां पे कोड पूछा जाएगा, तो 8 digits का एक कोड डालना है, 6967 0429, यही तो है बस। एपोकार्पस कंडीशन कहां देखने को मिलता है? एपोकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन, एपोकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन। एक होता है सिनकार्पस, एक होता है एपोकार्पस। तो सिनकार्पस के एग्जांपल है पेपेवर, मस्टर्ड और टोमेटो। तो यहां पे एग्जांपल क्या आ जाएगा? रोज, लोटस, माइकेलिया। तो एपोकार्पस के एग्जांपल यहां पे कौन है? रोज। लीडर बोर्ड आ चुका है तुम्हारे सामने, रफ्तार में आंसर आया है इस बार एडी का। एडी का आंसर सबसे रफ्तार में आया है इस बार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23। जब स्टेमन टेपल के साथ अटैच होते हैं तो ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है? टेपल कुछ और नहीं बल्कि जब सेपल और पेटल बिल्कुल नजर ना आए तो ऐसे कंडीशन को टेपल कहते हैं, या इसी कंडीशन को पेरियंथ भी कहते हैं। तो जब स्टेमन टेपल के साथ अटैच हो तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? बोलो, ऐसे कंडीशन को हम एपिफाइलस बोला करेंगे। क्या बोलेंगे भाई? एपिफाइलस बोला करेंगे। तो सबसे रफ्तार में आंसर आया है साइंस का। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, फॉल सेप्टम किन में नहीं मिलती है? फॉल सेप्टम इज नॉट फाउंड इन। फॉल सेप्टम ब्रैसिकेशिक मेंबर की पहचान है और फॉल सेप्टम को हम रेपलम कहा करते हैं। तो फॉल सेप्टम जो है यहां पे किस में नहीं मिलेगा? तो बात सिंपल है, वो आंसर जाएगा प्राइमरोज। क्यों? क्योंकि फॉल सेप्टम मिलती है मस्टर्ड में, आर्जमन वगैरह में मिलेगी, प्राइमरोज में ये नहीं मिलती फॉल सेप्टम। तो प्राइमरोज में क्या मिलती है? फ्री सेंट्रल कंडीशन देखने को मिलता है ना, तो फॉल सेप्टम तो देखने को मिलेगी तुम्हें इसमें पेराइटल में देखने को मिलती है तुम्हें।
तो आंसर क्या जाएगा तुम्हारा, वो तो देख लिया तुमने है ना, बाकी मीशा ने सबसे रफ्तार में किया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 25, प्लेसेंटा डेवलप्स एट द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, इट इज कॉल्ड, ओवरी के अंदर की दीवारों पे बनी है। बात दीवारों की ही चल रही है, चाहे आउटर हो चाहे इनर हो, अगर बात दीवारों की चली है तो आंसर क्या जाएगा, बात अगर दीवारों की चली है तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा तुम्हारा पेराइटल, पार्शियल नहीं पेराइटल लिख रखा था, वो टाइपिंग एरर है, क्या होता है वो पेराइटल, ठीक है ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे, उसके पहले लीडर बोर्ड एक बार हो जाए। तो सबसे रफ्तार में जो आंसर आया है वो इस बार आया है दर्पण जेनेटिक्स का। देखो भाई टोटल 25 क्वेश्चन हमने 50 में कंप्लीट किए हैं, तो बताओ 25 क्वेश्चन में तुम्हारे कितने सही गए, 25 में कम से कम 20 तो आने चाहिए इस चैप्टर से, ठीक है 50 में कम से कम 25 में 20 तो आने चाहिए, मिनिमम 20 से 22 मिनिमम स्कोर है, ये तो आना ही चाहिए था, और जिनका नहीं आ पा रहा है बहुत मेहनत की जरूरत है, मेहनत करते रहे। अगले क्वेश्चन में चलें, ड्रूप जो फ्रूट है ये किसका कैरेक्टर है, ड्रूप तुमने सुना होगा एक फ्रूट का नाम होता है, जैसे किसका ये कैरेक्टर है बताना है, मैंगो का है, कोकोनट का है, टोमेटो का है, या बोथ एंड बी। तो ड्रूप फ्रूट इज अ कैरेक्टर ऑफ, तो ड्रूप किसका कैरेक्टर है, तो ड्रूप कैरेक्टर यहां पे आंसर चला जाएगा तुम्हारा मैंगो और कोकोनट दोनों का होता है, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से ये चीजें होती है, सिंगल सीटेड। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है, तो सबसे रफ्तार में आंसर आया है मोहम्मद अब्दुल्ला का। क्वेश्चन नंबर 27 में आओ। क्वेश्चन नंबर 27, टेस्टा और टेगमेन किसके सीड्स में देखने को मिलेंगे, टेस्टा और टेगमेन ये सीड के आउटर लेयर होते हैं, तो कहां पे देखने को मिलेगी तुम्हें टेस्टा और कहां पे देखने को मिलेगी तुम्हें टेगमेन। तो टेस्टा और टेगमेन जो होते हैं ये हमें कहां देखने को मिलेंगे, तो ये हमें बिल्कुल देखने को मिलते हैं ग्राउंड नट में, क्योंकि जो तीन एग्जांपल है मेज है अनियन है वीट है, ये एग्जांपल्स मोनोकॉट के हैं, और जो ग्राउंड नट है तुम्हारा डाइकॉट का एग्जांपल, और डाइकॉट में ही देखने को मिलती है टेस्टा और टेगमेन, दो आउटर लेयर यहां पे होता है। टेस्टा और टेगमेन कुछ और नहीं, पहले आउटर इंटिगमेंट्स और इनर इंटिगमेंट्स हुआ करते थे, तो आउटर इंटिगमेंट्स का मॉडिफिकेशन टेस्टा है और इनर इंटिगमेंट्स का मॉडिफिकेशन टेगमेन है। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने रहा, शालू का आंसर सबसे फास्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलें। ऑर्किड के जो सीड होते हैं, ऑर्किड सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक या बोथ एंड बी या एल्बुमिन्स, ऑर्किड के सीड जो ऑर्किड का सीड है, याद करो ट्रिक बताया है मैंने कई बार, पबजी गो, तो पबजी गो में देखो ऑर्किड आता है ना लास्ट में PBGGO, तो नॉन एंडोस्पर्मिक आएगा तुम्हारा ये, लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है दर्पण जेनेटिक्स सबसे रफ्तार में आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29, ड्रूप फ्रूट इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ, ड्रूप फ्रूट इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ, तो हमने देखा देखो मैंगो में था, फिर देखा हमने कोकोनट में भी था, लेकिन टोमेटो में बेरी मिलती है, टोमेटो में ड्रूप नहीं मिलता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है
उसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला ने सबसे रफ्तार में आंसर किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 30। नॉन एंडोस्पर्म सीड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। नॉन एंडोस्पर्म सीड किसका कैरेक्टरिस्टिक है? डाइकॉट का, मोनोकॉट का, जिम्नोस्पर्म का या बोथ एंड बी का? सीड बने हैं लेकिन नॉन एंडोस्पर्मस का सीड है, तो नॉन एंडोस्पर्मस किसके एग्जांपल है, डाइकॉट या मोनोकॉट? तो हम लोग बात करेंगे मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स यहां पे जाएगा। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है। सबसे रफ्तार में आंसर आया है शालू का और अभी वोट वोट सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 31। लेग्यूम फ्रूट इज फाउंड इन। फ्रूट का नाम क्या है? लेग्यूम। किसमें मिलेगा? फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी। ऑप्शंस है तुम्हारे सामने सोलेनेसी, पैप्लिनियोडी, ब्रासिकेसी। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। लेग्यूम। लेग्यूम की बात करें तो बात सिंपल है, लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी, पैप्लिनियोडी एक सब फैमिली है, नाम बस याद रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है नाम। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने ये रहा। वोट गुड साइंस मिलान, शालू, मोहम्मद अब्दुल्ला, मेशा, एडी, इंडिया, दर्पण और एफएमसी। सबसे रफ्तार में आंसर आया मोहम्मद अब्दुल्ला का। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे बढ़ते हुए, कैप्सूल फ्रूट इज फाउंड इन। जैसा अभी हमने देखा था बेरी टोमेटो में मिलती है, तो वैसे ही बताना है कैप्सूल कहां मिलता है। कैप्सूल फ्रूट इज फाउंड इन, कैप्सूल फ्रूट कहां मिलती है? तो कैप्सूल फ्रूट हमें देखने को मिलती है कहां? सोलेनेसी में देखने को मिलेगी। कहां मिलेगी? सोलेनेसी में देखने को मिलेगी, याद रखेंगे एग्जाम्पल्स। चलो देखते हैं लीडर बोर्ड में हमारा क्या रैंक आ रहा है। शालू का आंसर सबसे फास्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बाइकार्पलरी है वो, सिनकार्पस है, सुपीरियर ओवरी है, बेरी या कैप्सूल उसके फ्रूट होते हैं। बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, सुपीरियर ओवरी है और बेरी और कैप्सूल उसके फ्रूट होते हैं। बताओ किसके बारे में बात चल रही है? बात चल रही है, बिल्कुल सही हो तुम, बात चल रही है पिटोनिया के बारे में। कैसे समझ में आया? बाइकार्पलरी है, सोलेनेसी का मेंबर होना चाहिए, सोलेनेसी है तो अच्छा दूसरे लेवल पे आएगा तो पिटोनिया। सबसे रफ्तार में आंसर आया है शालू का। क्वेश्चन नंबर 34 में आओ। क्वेश्चन नंबर 34 तुम्हारे सामने ये रहा, एट्रोपा बेलाडोना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, कौन सी फैमिली की? एट्रोपा बेलाडोना इज एन इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट, कौन सी फैमिली की है? बेलाडोना। तो बेलाडोना कहां की है? तो सबसे फेमस याद रखेंगे नाम सोलेनेसी, सोलेनेसी का यह मेंबर आता है एट्रोपा बेलाडोना। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है। वोट गोट साइंस शालू मिलान अब्दुल्ला मिशा इंडिया एडी देव दर्पण। मोहम्मद अब्दुल्ला का आंसर सबसे फास्ट आया है। अगले क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा, निकोशियाना, बताओ किसमें आएगा? पूरा नाम होता है निकोशियाना टबैकम। बताना है तुम्हें कौन सी फैमिली में आएगा ये। तो फैमिली कौन सी है याद रखेंगे, फैमिली का नाम है सोलेनेसी, बिल्कुल सही हो तुम, निकोशियाना टबैकम। लीडर बोर्ड सामने है और सबसे रफ्तार में आंसर है साइंस का।
क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा तुम्हारे सामने। स्टैंडर्ड इन पैप्लिनियोटिस, बताना है स्टैंडर्ड किसको कहा जाता है, वो नेचर उसका कैसा है, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। स्टैंडर्ड होते हैं विंग्स होते हैं और उसमें किल कैरिना होता है, तो स्टैंडर्ड जो होता है वो पोस्टीरियर में या एंटीरियर में, ये बताना है तुम्हें। तो स्टैंडर्ड तो हमें देखने को मिलेगा बिल्कुल पोस्टीरियर में, और सबसे बाहर में वही होता है आउटर मोस्ट, और किल होता है एंटीरियर। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है और सबसे रफ्तार में इस बार आंसर आया है AFMC पुणे का। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन ये रहा, ग्राउंडनट का बोटैनिकल नेम क्या होता है। ग्राउंडनट का बोटैनिकल नेम पता होना चाहिए सबको कि ग्राउंडनट का बोटैनिकल नाम क्या होता है। तो ग्राउंडनट का बोटैनिकल नेम क्या है, तो बात याद रखेंगे क्या है इसका, ग्लाइसिन मैक्स एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया होता है ग्राउंडनट का। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है और सबसे रफ्तार में आंसर आया है देव कुमार देवांगन का। हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 38 पे, क्वेश्चन नंबर 38 तुम्हारे सामने ये रहा, एडिबल पार्ट, टोमेटो में हम क्या खाते हैं, टोमेटो में हम क्या खाते हैं, एडिबल पार्ट क्या है हमारे टोमेटो का। तो बात याद रखेंगे टोमेटो में हम क्या खाते हैं, बोलो टोमेटो में हम, टोमेटो का वैसे फ्रूट तो बेरी होता है लेकिन टोमेटो में हम पेरिकार्प और प्लेसेंटा खाते हैं, ठीक है याद रखेंगे इसके बारे में। लीडर बोर्ड देखते हैं जरा सा, लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है, सबसे रफ्तार में इस बार जो आंसर आया है वो आया है मोहम्मद अब्दुल्ला का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, एडवेंटिशियस रूट किनमें मिलेगा, तो हमने पहले ही देखा था, ग्रास में मिलती है, मॉन्स्टेरा में मिलती है और बनियान में मिलती है, ग्रास मॉन्स्टेरा और बनियान। लीडर बोर्ड देखते हैं हम लोग, लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है, वुड गोट, शाइंस, शालू, अब्दुल्ला, मिलान, इंडिया, देव, मीशा, AFMC और दर्पण। मीशा का जवाब सबसे रफ्तार में आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, इन मॉन्स्टेरा प्लांट विच टाइप ऑफ रूट इज प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रास मॉन्स्टेरा और बनियान। तो मॉन्स्टेरा की बात पूछी गई है कौन सा रूट इसमें प्रेजेंट होगा, तो मॉन्स्टेरा या ग्रास या बनियान की अगर बात करें तो वहां पे कौन सी रूट देखने को मिलती है हमें, तो याद रखेंगे एडवेंटिशियस रूट होता है वहां पे, एडवेंटिशियस रूट। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है और सबसे रफ्तार में आंसर आया है शालू का, क्वेश्चन नंबर 41। फाइबरस रूट इज फाउंड इन, कहां मिलेगी फाइबरस रूट, फाइबरस रूट कहां मिलेगी, ये तो पता है कि फाइबरस रूट कहां मिलती है, मोनोकॉट में मिलती है। मोनोकॉट का एक एग्जांपल बता दो, जैसे टैप रूट मिली थी मस्टर्ड में, वैसे ही फाइबरस रूट कहां मिलेगी, तो बात होगी पैडी के बारे में। अगला सवाल लीडर बोर्ड पहले देख लो, रफ्तार में किसका आंसर आया है, सबसे फास्टेस्ट आंसर यहां पे है मोहम्मद अब्दुल्ला का, क्वेश्चन नंबर 42। पल्विनस लीफ बेस कहां मिलता है, पल्विनस लीफ बेस इज फाउंड इन, इस पर डायरेक्ट आंसर बताओ क्या जाएगा, पल्विनस लीफ बेस इज फाउंड इन,
बताना है पल्विनस लीफ बेस कहाँ मिलेगा। तो पल्विनस लीफ बेस इज फाउंड इन ऑयल प्लांट, रेजिनस, लेग्यूमिनस या सीरियल। तो बात सिंपल है, पल्विनस में मिलती है, कहाँ मिलती है, लेग्यूमिनस में मिलती है। लीडर बोर्ड देखते हैं जरा सा, लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है। साइंस का जवाब सबसे फास्ट आया है, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम ये चले आगे। पाल्मेटली के बारे में पूछा है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ कहां देखने को मिलता है। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ इज फाउंड इन, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ इज फाउंड इन। तो पाल्मेटली कहां मिल रहा है, तो पाल्मेटली सिल्क कॉटन में मिल रहा है, पेटियोल की जो टिप होती है वहीं पे सारे के सारे आकर लीफ अटैच्ड हो जाते हैं। लीडर बोर्ड आ चुका है और सबसे फास्टेस्ट है अनीशा, क्वेश्चन नंबर 44। लीफ टेंड्रिल इज फाउंड इन, लीफ टेंड्रिल इज फाउंड इन, लीफ टेंड्रिल कहां मिलता है, पी में मिलेगा, राइस में मिलेगा, कैक्टस में, अनियन में। लीफ टेंड्रिल इज फाउंड इन, तो सिंपल सी बात है, लीफ कहां मिलेगा, लीफ टेंड्रिल पी में मिलेगा, लेथायरस ओडोरेटस कहते हैं इसे, या गार्डन पी, बात याद रखेंगे गार्डन पी के बारे में, ठीक है, मीठी पी, स्वीट पी, जो मेंडल ने लिया था। पाइसम से टाइम मोहम्मद अब्दुल्ला ने सबसे फास्ट किया है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा तुम्हारे सामने। लीफ हुक्स पूछा गया है, सिलेबस में नहीं है हमारे, लीफ हुक्स पूछा गया है, तो बताओ बिगडोनिया, एरटेबोटरस, ड्रोसेरा, लीफ हुक्स कहां मिलेंगे। वैसे बिगोनिया होता है वो, हाँ बिगनोनिया जो लिखा हुआ है ना, बिगनोनिया गलत लिखा हुआ है, बिगोनिया होना चाहिए, बिगोनिया और एरटेबोटरस में मिलती है ये चीज। काम का नहीं था ये, काम का नहीं था ये, इस बार सबसे रफ्तार में आंसर आया है शालू का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम आगे, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, बस चार सवाल दूर हैं हम, 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट में पीचर इज मॉडिफाइड, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है उसमें पीचर किसका मॉडिफाइड पार्ट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट में पीचर इज मॉडिफाइड। पीचर किसका मॉडिफाइड पार्ट होता है, याद रखेंगे लीफ की पार्ट होती है लैमिना, उसका मॉडिफाइड पोर्शन होता है पीचर, नेपेंथीस, पीचर प्लांट, ड्रोसेरा, ब्लैडरवर्ट, तो हैं एग्जांपल्स, तो देख लिए तुमने। और बाकी यहां पे सबसे फास्टेस्ट आंसर आया है एएफएमसी पुणे का, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हुए हम आगे। पॉलीडेल्फस कंडीशन, तीन चीजें एनसीईआरटी ने दी है, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस। तो मोनोडेल्फस का एग्जांपल तो चाइना रोज है, डाइडेल्फस का एग्जांपल हम बात करते हैं पी के बारे में, तो पॉलीडेल्फस का एग्जांपल आ जाएगा सिट्रस और सेल्विया मस्टर्ड में डाइडेनमस और टेट्राडेनमस कंडीशन देखने को मिलती है। देखते हैं लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने है। मोहम्मद अब्दुल्ला का रफ्तार में आंसर आया है, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48, द आउटर मोस्ट कवरिंग जो एंडोस्पर्म का होता है वो इम्ब्रियो को सेपरेट करती है एक प्रोटेनेशियस लेयर से जिसकी प्लॉइडी 3n होती है, बताना है उस आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम क्या है। उस आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम क्या है, तो उस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम एलिरॉन लेयर कहते हैं जो पूरी तरीके से प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। शील्ड शेप पूछे तो स्कूटलम चला जाएगा।
सबसे रफ्तार में आंसर आया है इस बार मोहम्मद अब्दुल्ला का, क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाओ। क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, सीड कोट इज नॉट थीन एंड मेम्ब्रेनस इन, सीड कोट इज नॉट थीन मेम्ब्रेनस इन, किसमें थीन नहीं होती, किसमें मेम्ब्रेनस नहीं होती, मेम्ब्रेनस होती है मतलब नॉट थीन पूछा गया तुमसे, तो ऐसा केस देखने को मिलता है हमें किसमें, ऐसा केस हमें देखने को मिलता है बिल्कुल कोकोनट में, ऐसा केस देखने को मिलता है क्योंकि वहां केस थोड़ी अलग है। कोकोनट में हम एंडोस्पर्म खाते हैं, और लीडरबोर्ड में सबसे रफ्तार में जो आंसर आ रहा है इस बार वो आंसर है तुम्हारा साइंस का, क्वेश्चन नंबर 50 आज का आखिरी सवाल तुम्हारे सामने ये आ रहा है। इन फ्लावर फॉर्मूला, जो फ्लोरल फॉर्मूला तुमने देखे हैं उसमें परसेंटेज साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक या एसिमेट्रिकल फ्लावर। तो बात सिंपल है, अगर पॉजिटिव साइन एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है तो जो ज़ाइगोमॉर्फिक है वो परसेंटेज साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बिल्कुल सही हो तुम। लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने आ रहा है, ये फाइनल लीडर बोर्ड आज का, फाइनल लीडर बोर्ड है आज का, और आज का विनर है भाई कौन, तो आज का विनर है वोट गोट साइंस, वोट गोट पहले चल रहा था भाई है ना, फिर सेकंड हो गया वोट गोट साइंस, आज का विनर है 37,968 पॉइंट के साथ। तो आज टॉप 10 में कौन कौन लोग हैं, फर्स्ट नंबर पे साइंस, सेकंड पे वोट गोट, थर्ड पे शालू, थर्ड पे फोर्थ पे मोहम्मद अब्दुल्ला, फिफ्थ पे मेलॉन, सिक्स्थ पे इंडिया, सेवेंथ पे मीशा, एट्थ पे ईशा, नाइन पे देव कुमार दीवानगन, और फिर है AFMC पुणे। आज का लीडर बोर्ड तुम्हारे सामने ये रहा, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें यूए लाइट के बारे में, ये टाइम ऐसा क्रिटिकल टाइम चल रहा है ना हमारा, अभी फेब का टाइम चल रहा है, आज 10 फरवरी है, तो अभी से लेकर आगे तक की जो जर्नी होगी ये हमारा सिलेक्शन और साथ में जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं उनकी रैंक डिसाइड करेंगे। उसके लिए अनअकैडमी ने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें खूब सारे क्वेश्चन बैंक, खूब सारे क्वेश्चंस यहां पे हैं। इससे पता चलेगा तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो। इसको डिजाइन किया गया है नीट के पेपर के अकॉर्डिंग, टॉप एडुकेटर्स ने क्वेश्चन क्राफ्ट किए हैं, और काफी जिनको एक्सपीरियंस है 10 साल से ज्यादा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को क्रिएट करने में, उन्होंने क्रिएट किया है इसे। 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। इसके लिए सब्सक्रिप्शन के दो प्लान हैं, एक तो 6 महीने का और एक 18 महीने का। जो 2023 वाले बच्चे हैं वो 18 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लें, और बाकी 6 महीने वाले तुम्हारे सामने हैं। कुछ बैचेस हैं जो अपकमिंग बैचेस कुछ आ रही हैं। इन्फ्लुएंसेस डे ये तुम्हारा है 12th फेब को शाम 4 बजे, ठीक है। स्टडी प्लान प्रिपरेशन वगैरह तुम्हें देखने को मिलेगा, जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो सब तुम्हें डील करेंगे यहां पर कौन कौन सी चीजें कैसे चल रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनअकैडमी प्रोडिजी जो है वो 6 फरवरी को है, कोड यूज करेंगे कुमार लाइव। एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं भाई हर एक टेस्ट में, और तुम जब सब्सक्रिप्शन ले रहे होगे तो उस समय एक नंबर है उस पर कॉल कर लेना, वो तुम्हें गाइड कर देंगे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है। आज का डाउट फीचर अनअकैडमी वेबसाइट पर अवेलेबल है, और बाकी लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम जो है 1-to-1 कैसे तुम कनेक्ट हो सकते हो, ये सब चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने सारी बातें तुम्हें बता दी, और हमारा सब कुछ हो चुका आज का टेस्ट वगैरह। 50 में कितने आए कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना। अच्छा वोट गुड विद्याधारा हो, ओके ओके मुरली, बहुत अच्छा, तुम तो स्पेशल क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो विद्याधारा, बिल्कुल। चलो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग सेशन में, अगला चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कल फिर क्लास होगी 12:00 PM, फिर से मिलते हैं। चैप्टर्स में पहले ही बता दूंगा चैप्टर का नाम, ठीक है, चैप्टर तुम्हारा कौन सा होगा, शायद सेल होगा, है ना, सेल ही की ज्यादा उम्मीद है, सेल ही होगी, है ना, ओके बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी, बाय बाय, थैंक यू।